इशू ये तो है, इशू है कि आप मुझे ये बताएं कि ना पैसा ना इसमें के अंदर, पहले तो ये, पहले तो मेरा मेरे क्लियर कर दें कि क्या इमरान खान को इससे कोई नफा नुकसान था? इमरान खान का ऐसे कुछ करना ही नहीं। वो कहते हैं, मैं बताता हूं, मैं मुझे पता है वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी, आप हर बात में ट्रांसपेरेंसी का आपने हर एक को फंदा लगाया होता है, अपने मामले में आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है? हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है, हमारे ऑडिटर्स के पास है, हमारे डिक्लेयर्ड वेबसाइट के ऊपर है, इससे ट्रांसपेरेंसी क्या? वो लेटर भी ओपन एंडेड है ना, जो उन्होंने दिया हुआ है। कब कब मालिक, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करें, इन्हें क्या नवाज शरीफ ने कितना पैसा बाहर रखा हुआ है, अपने नाम पर रखा हुआ है, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन्हें मुझे बताएं कि ये मुझे बता दें कि बेटे ने 500 मिलियन पाउंड लंदन के अंदर कमाया, जो प्रॉपर्टी में डाला। मैं लंदन जानता हूं, वो कोई जीनियस है जो कि 8 सालों में 500 मिलियन पाउंड कमा गया। इन्होंने मेफेयर के फ्लैट कैसे लिए? इनके इनके टैक्स रिटर्न्स आप जरा उठा के देखें, मैं आपको टैक्स रिटर्न्स दूँ। 2.5 लाख साल का नफा है, 2 लाख साल का नफा है, और इन्होंने मेफेयर के अंदर फ्लैट ले लिए मिलियंस ऑफ डॉलर के। किधर से? इनके ऊपर जो केस हुआ है उदायवा पेपर मिल का, अल तौफीक बैंक को 30 मिलियन डॉलर दिया। ये ट्रांसपेरेंसी की हमें बात कर रहे हैं? ये मुझे ये बता दे कि कितने अरब रुपया रायवेंड के ऊपर खर्च किया गरीब टैक्स के आदमी का। हमें बात कर रहे हैं वो चीज जो सारी, पहले तो ना शौकत खानम को नुकसान हुआ, पहले तो सारी चीजें हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे हैं, एक चीज इसमें छुपी हुई नहीं है। इसमें मुझे ये बताएं कि किस चीज की बात कर रहे हैं, यानी या मुझे कोई चीज इसमें समझा दे कि इसमें कोई गलत हुई। ऑफशोर कंपनी सारी, मुझे ऑफशोर कंपनी को नाजायज से,